हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप सबको हेल्दी लाइफ की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। तो गाइस, अब आ चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं गर्मियां, और गर्मी के मौसम में जो कि मैं दिखा रही हूँ आपको तरबूज, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। और इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं ये सब जानने के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आइए जानते हैं कि तरबूज हमारे लिए कितना फायदेमंद है गर्मी के दिनों में, खासकर क्योंकि अब गर्मी के दिन आ चुके हैं और तरबूज की बहार भी आ चुकी है। और गर्मी के दिनों में हमें तरबूज खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि तरबूज में विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और तरबूज में लाइकोपीन नामक का तत्व पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए कैंसर की रोकथाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जो तरबूज का आपको ये लाल रंग दिख रहा है ये लाइकोपीन की वजह से ही तरबूज का रंग लाल होता है। ये जो लाइकोपीन होता है तरबूज में, ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे शरीर में होने वाले कैंसर की जो रोकथाम करता है। तो इसलिए गर्मियों में तरबूज को खाना काफ़ी लाभदायक होता है। और अगर आप गर्मी में डेली तरबूज खाते हो तो उससे आपको जो शरीर में पानी की कमी होती है, पानी की कमी को पूरा करता है। गर्मी के मौसम में आपके लिए एनर्जी बूस्टर साबित हो सकता है तरबूज, पर तभी जब आप सही तरीके से और सही टाइम पर इसको आप खाएंगे। पोषक तत्वों से भरपूर तरबूज के ढेरों फायदे होते हैं। गर्मियों में तरबूज शरीर को हाइड्रेट रखने और जोड़ों के दर्द को कम करता है। यह शरीर में एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, पर कभी कभी उल्टी पेट दर्द और बदहजमी का कारण भी बन सकता है। इसकी वजह है इसे गलत समय पर और गलत फूड कॉम्बिनेशन में खाना। अगर आप तरबूज की दीवानी हैं तो इस बार इसे खाने का सही समय और तरीका भी जान लें। क्या है तरबूज के खाने की सही राय, तो बात करते हैं। परंतु अगर आप गलत तरीके से तरबूज का सेवन करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए उतना नुकसानदेह भी हो सकता है। तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तरबूज खाने का सही तरीका और सही समय मैं आपको बताती हूँ। तरबूज यदि बीज के साथ खाया जाए तो उसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही इसे खाली पेट नाश्ते के रूप में भी ले सकती हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक का समय तरबूज खाने के लिए बिल्कुल उचित रहेगा, पर रात के समय तरबूज खाना आपकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। हमेशा ध्यान में रखें कि तरबूज खरीदने के तुरंत बाद तरबूज को नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले उसको पानी में डुबो कर छोड़ दें। साथ ही एक बार तरबूज को काटने के बाद स्टोर करके ना रखें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए ताजे तरबूज का ही सेवन करें। खाली पेट तरबूज खाना क्या फायदेमंद रहेगा, आइए जानते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में खाली पेट तरबूज खाना फायदेमंद रहेगा। यह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को प्रमोट करने के साथ पूरे दिन शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। तरबूज में 96% की मात्रा में पानी होता है, इसलिए तरबूज खाने के बाद तुरंत पानी पीने से बचें। इससे पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। साथ ही यह गैस्ट्रोएंटेरिटल ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तरबूज में पर्याप्त मात्रा में पानी, शुगर और फाइबर मौजूद होते हैं। माइक्रोब्स और बैक्टीरिया हमारे शरीर में पानी और शुगर की मदद से तेजी से फैलते हैं। ऐसे में तरबूज खाने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया फैलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही पेट में इन्फेक्शन होने की भी खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तरबूज के साथ किसी अन्य पदार्थों का सेवन भी ना करें, क्योंकि तरबूज को किसी और फूड के साथ मिलाकर खाने से इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में पूरी तरह से नहीं लगते हैं। साथ ही यह पूरी तरह हाइड्रेट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से एसिडिटी, अपच और समस्याएं हो सकती है। किसी पदार्थ को सेवन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि पोषक तत्वों से भरा तरबूज आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर नुकसानदेह भी हो सकता है। दिन के समय तरबूज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि रात में तरबूज खाने पर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
और रात के समय तरबूज का सेवन करने से डिहाइड्रेशन की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं आप। साथ ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इससे आपको अगले दिन पूरे दिन पेट में ऐठन महसूस होगी। वहीं आम दिनों के अनुसार आपकी पाचन क्रिया धीरे धीरे काम करेगी, इसलिए रात के समय शुगर और एसिडिटी पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। तरबूज में पर्याप्त मात्रा में शुगर होती है, ऐसे में तरबूज को खाने के तुरंत बाद बेड पर ना जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपका शुगर का वजन बढ़ सकता है। पानी से भरपूर तरबूज का सेवन करने से रात को बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके कारण नींद प्रभावित होती है और बाद में ये आपकी नींद पूरे ना होने का कारण बन सकती है। जिनको कब्ज की समस्या है और रात के समय तरबूज या किसी तरह का फल खाने से डायरिया और कब्ज जैसी समस्याएं होने की संभावना होती है, तरबूज में मौजूद फाइबर हमारे पेट के लिए फायदेमंद होता है, परंतु रात के समय ये पेट की समस्याओं को प्रोत्साहित करने का काम भी करते हैं। तो गाइज, ये थी आज की मेरी वीडियो कि तरबूज हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये तो आपने जाना होगा। और अगर आपको तरबूज अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए तरबूज किसे किसे अच्छा लगता है। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज़, मैं आपके पास ऐसी ही अच्छी अच्छी हेल्दी टिप्स लेकर आती रहूँगी। तो फिर गाइज़ मिलते हैं।